उत्तराखंड में पिछले वर्ष एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाली टीम का हिस्सा रहे रैट माइनर वकील हसन के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और उनके घर को गिरा दिया गया। परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया कि इस वजह से वकील की बेटी की परीक्षा छूट गई। श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले हसन की बेटी अलीजा के नोट्स, पुस्तकें सहित परिवार का सारा सामान उनके छोटे से घर के मलबे में दबा पड़ा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने बुधवार को श्रीराम कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की कक्षा 10वीं की छात्रा अलीजा घर तोड़े जाने के बाद से ही हो हल्ले के कारण अपनी गृह विज्ञान की परीक्षा नहीं दे सकी। हसन की पत्नी सबाना ने बताया कि अपनी परीक्षा के दिन मेरी बेटी सड़क पर खड़ी रही, उसकी किताबें, वर्दी, नोट्स सब कुछ मलबे के नीचे कहीं दबा हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और वह जब अंदर घुसे तो उस वक्त घर पर केवल उनकी बेटी और बेटा ही थे। सबाना ने कहा कि जब DDA अधिकारी पुलिस के साथ आए तो घर पर कोई नहीं था। घर पर अलीजा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मेरा बेटा आजीम मौजूद था। मकान को तोड़े जाने की सूचना मिलने पर मेरे पति और मैं आनंद फानन में घर पहुंचे। रेड माइनर वकील हसन ने कहा कि उन्होंने DDA के अधिकारियों द्वारा बुधवार रात को अस्थायी आवास मुहैया कराने की पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि अधिकारियों ने सिर्फ मौखिक तौर पर आश्वासन दिया था।